दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम 19 सितंबर तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तिहाड़ जेल में चिदम्बरम की एंट्री गेट नंबर 4 से हुई। जेल में बंद करने से पहले चिदम्बरम का मेडिकल टेस्ट किया गया और फिर डिनर में रोटी, दाल और चावल दिया गया। इससे पहले गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से पी चिदम्बरम के वकील कपिल सिब्बल ने अपील की कि चिदम्बरम को तिहाड़ जेल में वेस्टर्न टॉयलेट, चश्मा, दवाएं, सुरक्षा और अलग बैरक सहित अन्य सुविधाएं मुहैया कराने की मंजूरी दी जाए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कपिल सिब्बल की अपील को स्वीकार कर लिया और वेस्टर्न टॉयलेट सहित सभी सुविधाएं जेल में देने की मंजूरी दे दी। कोर्ट में आवेदन दाखिल करते हुए कपिल सिब्बल ने दलील दी कि पी चिदम्बरम इंडियन टॉयलेट में बैठ नहीं पाते हैं, जिसके चलते उनको तिहाड़ जेल में वेस्टर्न टॉयलेट उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि चिदम्बरम को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, लिहाजा उनको जेल में सुरक्षा भी दी जाए। वहीं तिहाड़ जेल के डायरेक्टर जनरल संदीप गोयल रिपीट, पी चिदम्बरम को जेल नंबर 7 और अलग बैरक में रखा जाएगा। उनको खाने में रोटी, दाल, चावल और सब्जी दी जाएगी। उसके साथ ही जरूरी दवाएं, चश्मा, सुरक्षा, वेस्टर्न टॉयलेट, टीवी और किताबें सहित वो सभी सुविधाएं मुहैया कराया जाएगा जिनकी कोर्ट ने इजाज़त दी है। आपको बता दें कि आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई ने पी चिदम्बरम को 22 अगस्त को गिरफ्तार किया था। उसके बाद उनको 5 सितंबर तक सीबीआई हिरासत में ही रखा गया और अब न्यायिक हिरासत ने तिहाड़ जेल भेज दिया है। वो 19 सितंबर तक तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम को जेल में खास सुरक्षा दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक चिदम्बरम के साथ तिहाड़ में बंद अंडर ट्रायल कैदियों की तरह ही बर्ताव किया जाएगा। उनको अलग से कोई खास सुविधा नहीं दी जाएगी, जबकि उनको कोर्ट के आदेश और जेल मैनुअल के मुताबिक सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। जेल मैनुअल के अनुसार चिदम्बरम को रात 9 बजे बैरक में बंद किया जाएगा और सुबह 6 से 7 बजे उठाया जाएगा। डेली रूटीन से फुर्सत होने के बाद चिदम्बरम को नाश्ता में दलिया, ब्रेड, चाय और बिस्कुट दिया जाएगा। नाश्ता के बाद चिदम्बरम को टहलना होगा और व्यायाम करना होगा। उसके बाद खाने में रोटी, दाल, चावल और सब्जी दी जाएगी। द डेली न्यूज रूम की रिपोर्ट।